Good morning students, myself Bhavik Patel from Sabran Prabha Gurukul Jai Sri Swaminarayan. Today we will start a new chapter in class 10 English Medium Science, chapter 12, Electricity. All of you have heard about electricity, we use electricity everyday life. In each and every second we use electricity for fan, running fan, tube light. Look at in your house. You will notice electrical appliances everywhere, tube light, fan, refrigerator, air conditioner, water heater, air conditioner, then after microwave oven, yes. So there are several electrical appliances in our house. Electricity has an important place in modern society. It is controllable and convenient form of energy. Control because it is convenient here. Uses in home, school, hospital, industry and so on. Sab jagah electricity istemal hota hai, we know that. What constitutes electricity? Electricity kya hai? Uske andar kya hai? How does it flow in electric circuit ke andar wo kaise flow karti hai? Hum pichle standard se padh chuke hain ki electricity ke liye bhi ek closed path jisko hum circuit bolte hain wo complete hona zaruri hai. Theek hai? Tabhi hamara analysis chalega. What are the factors that control and regulate the current through the electric current? वो सब ये क्वेश्चन का आंसर हम धीरे-धीरे लेंगे. But सबसे पहले जो हमें यहाँ स्टडी करना है, वो चीज़ है इलेक्ट्रिक करंट. What? इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है? इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल जो पहले बता था, उसका सिंबल I है. Okay? जैसे कि करंट का मतलब होता है फ्लो. जैसे कि वाटर फ्लो होता है तो वाटर करंट. एयर फ्लो होता है तो एयर करंट, ऐसे ही करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक करंट. बट इलेक्ट्रिक करंट है क्या? वी आर फेमिलियर विद एयर करंट, वाटर करंट. सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू कंडक्टर. ठीक है, क्या फ्लो होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज. आपने सुना है ना चार्जिंग करंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज. तो हमने ये चार्ज पढ़ चुके हैं क्योंकि कोई भी एटॉम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं. इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज. तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो भी एटॉम के अंदर सेम होते हैं वो नील पॉवर मॉडल में हमने क्लास 9 में पढ़ा. सिंपल है, ठीक है. तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आता है? मतलब हमने टॉर्च में देखा है सेल, छोटा सेल, जैसे मेरे फोन पंखा चल रहे, इंटरनेट चल रहे, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी से वर्क कर रहा है. और किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो होता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट कौन प्रोवाइड करता है? भाई जैसे कि हम बैटरी की बात करें तो सेल, ठीक है, और वो फिर बल्ब को ग्लो करवाते हैं. वी ऑल्सो सीन दैट टॉर्च गिव्स लाइट ओनली व्हेन इट स्विच इज ऑन. स्विच ऑन हो तो ही, जैसे कि अभी ये पंखा चालू है, पंखे का स्विच ऑन है तभी ये पंखा चालू है. बिकॉज स्विच ऑन है तो सर्किट कंप्लीट होगा एंड इलेक्ट्रिक करंट बहेगा सर्किट के थ्रू और अप्लायंसेस वर्क करेगा. सिंपल है, ठीक है. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट चीज है क्या. ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट का डेफिनेशन है अ कंटीन्यूअस एंड क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक. इलेक्ट्रिक सर्किट कंटिन्यूअस, ये पंखा कंटिन्यूअसली चालू रखने के लिए मेरे को स्विच कंटिन्यूअसली चालू रखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी उसको कंटिन्यूअस मिलती रहनी जैसे है ना, स्विच एक बार ऑन करके फिर ऑफ कर दो पंखा चालू रहेगा, ऐसा स्कीम है नहीं. ठीक है, और क्लोज ये स्विच है वो बंद है, मतलब अभी देखो ये बंद है. सो दैट मींस इसका मतलब क्या हुआ कि अभी ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, पाथ ब्रेक हो चुका है. अभी मैंने स्विच ऑन किया अगर सर्किट कंप्लीट हुआ, ठीक है, एंड ये पंखा चालू होगा. ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट है ना वो फ्लो होता है. ठीक है, तो भाई सबसे पहले हमने 9th में पढ़ा कि सबसे पहले प्रोटॉन ढूंढा गया था. ठीक है, गोल्डस्टीन ने ढूंढा था. ठीक है, ई गोल्डस्टीन के बाद में इलेक्ट्रॉन ढूंढा गया, बाद में पता चला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो इलेक्ट्रॉन
चला कि भाई मतलब ऐसा हमने माना कि भाई ये इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, दैट इज इसको कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। क्या याद रखना है चीज, पॉजिटिव टू नेगेटिव याद रखना है, क्योंकि प्रोटॉन की वजह से पहले माना जाता था, बट एक्चुअली बाद में पता चला इलेक्ट्रॉन को ढूंढने के बाद इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन की वजह से जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, जो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है, ठीक है, तो ये चीज याद रखेंगे आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, उसका चार्ज पॉजिटिव है, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज पर है, इसके स्मॉलर यूनिट भी लिए जाते हैं मिली एम्पियर
मीडियम में हमारे 10^-3 एम्पीयर ये ये जो छोटे डिवाइस होता है ना डीसी, जैसे मोबाइल है कंप्यूटर है, उसके अंदर डीसी करंट वर्क करता है, डीसी करंट कैसे होता है ठीक है, मोबाइल की टॉर्च का टॉर्च में और उसमें मीडियम के करंट होता है मोबाइल के चार्जर में। एमएएच बैटरी सुना है ना आपने, 5000 mAh बैटरी मोबाइल में होता है, मिली एम्पीयर होता है वो है ठीक है। और दूसरा माइक्रो होता है, माइक्रो का अंदर -6 एम्पीयर होता है, तो ये भी ऐसे यूनिट देखे जा रहे है ठीक है। ओके यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक करंट के बारे में स्टडी किया है। यहाँ पे सर्किट डायग्राम के कॉम्प्लेक्स सर्किट है क्या, और उसके नीचे एक न्यूमेरिकल भी है जो हम सॉल्व कर रहे हैं, न्यूमेरिकल आपको खास नोटबुक में लिखना है। एक और चीज यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि भाई 1 कूलम इक्वल टू चार्ज कंटेन चार्ज कंटेन इन नियरली 6 इलेक्ट्रॉन्स ये खास याद रखना। तो 1 कूलम बराबर चार्ज करने के नियरली 6×10^18 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको बताई ठीक है। ये सब कूलम जो साइंटिस्ट है उन्होंने ऑब्जर्व किया था, यहाँ पे सर्किट डायग्राम भी ड्रॉ किया है आपको देखेगा। तो ये रहा एमीटर जो करंट मेजर करता है, यस ये बताना मैं भूल गया कि ऐसा कौन सा डिवाइस करंट मेजर करता है, तो एमीटर करंट मेजर करता है, उसको सीरीज में लगाया जाता है, सीरीज में मतलब सीधी लाइन के उसके साथ कि की है ये करंट का पाथ, देखो ये बैटरी है प्लस माइनस, आप देखोगे कि यहां पे प्लस और माइनस मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट है जिसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, याद रखना ठीक है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट रहता है, वैसे नेगेटिव से पॉजिटिव रहता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, बट हम कन्वेंशनली पॉजिटिव से नेगेटिव लेते हैं, वो आपको याद रखना है ठीक है। अब हम देखेंगे जो न्यूमेरिकल है एग्जांपल 12.1, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर तो I इक्वल टू 0.5 एम्पीयर करंट का सिंबल है याद रखना, ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट्स t बराबर 10 मिनट, उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे ठीक है। अब हमें ढूंढना है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ढूंढना है, फॉर्मूला था आई बराबर क्यू अपॉन टी, आपको याद रहे इसलिए मैं उसका चीज बताता हूँ, क्यू बराबर आई टी, टी ऊपर गया तो आप आसानी से याद कर सकते हो क्यू आई टी, क्या क्यू आई टी, क्यू आई टी ठीक है। तो क्यू क्यू इक्वल टू आई टी 0.5 × 500 ये Q चार्ज का यूनिट कूलम है, आपको कैपिटल C लिखना है, दैट्स इट। तो हमारा यहाँ पे 12.1 में कंप्लीट हुआ है। अब अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे, काफी हिट करके वीडियो देखिएगा ठीक है। आज एमटीसी काम शुरुआत कर दिया है, अगले वीडियो में हम आगे देखेंगे ओके। और न्यूमेरिकल आपको नोटबुक में दिन है, फॉर्मूलाज भी आपको लिखते जाना है, कौन फॉर्मूला ये एक हुआ ठीक है, क्यू बराबर आई टी, क्यू आई टी भी आप लिख सकते हो ठीक है। और आप इसके सिंबल क्या है और यूनिट क्या है वो खास आप नोटबुक में ढूंढाओ कीजिए, बाकी चैप्टर बहुत ईजी है ठीक है। बाय, समझना है।